Assalamu alaikum, dear students and viewers. We resume our lesson from page number 3. In the morning, Subkebar, as he left the apartment ke the flat, jo hi wo ghar se nikli, Norma saw the card halves on the table. Norma ne card ke tukde mez pe pade dekhe. Impulsively, unconsciously, गैर इरादी तौर पे, she dropped them into her purse. उसने वो टुकड़े पर्स में डाले. She locked the front door. उसने घर को ताला लगाया and joined Arthur in the elevator. Elevator कहते हैं लिफ्ट को. और लिफ्ट में आर्थर के साथ सवार हो गई. While she was on her coffee break, के कॉफी के वक्फे के दौरान She took the card halves from her purse and held the torn edges together. उसने कार्ड के टुकड़े पर्स से निकाले और फटे हुए सिरों को जोड़ दिया. Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. कि कार्ड पे सिर्फ स्टीवर्ट का नाम और फोन नंबर दर्ज था. After lunch, दोपहर के खाने के बाद, she took the card halves from her purse again. उसने वो कार्ड के टुकड़े दोबारा पर्स से निकाले and scotch taped the edges together. और स्कॉच टेप की मदद से सिरों को आपस में जोड़ दिया. Why am I doing this? She thought. उसने सोचा मैं ऐसा क्यों कर रही हूं. जाहिर है वो पैसों के लिए कर रही थी. Just before 5, 5 बजे से थोड़ी देर पहले she dialed the number. उसने नंबर घुमाया. Good afternoon, said Mr. Stewart's wife. दूसरी तरफ से मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा कि सपेर बखैर. Norma almost hung up. कि Norma फोन रखने ही वाली थी but restrained herself. Restrain कहते हैं to stop oneself from doing something. कि उसने ऐसा ना किया. She cleared her throat. उसने गला खनकार के साफ किया. This is Mrs. Lewis, she said. और कहने लगी कि मैं Mrs. Lewis बात कर रही हूं. Yes, Mrs. Lewis. Mr. Stewart sounded pleased, happy. कि स्टीवर्ट ने खुशी से चहकते हुए कहा कि हाँ मिसेस लुइस फरमाइए. आई एम क्यूरियस आई वॉन्ट टू नो आई एम इंटरेस्टेड. नॉर्मा ने कहा कि मैं जानना चाहती हूं. दैट्स नेचुरल मिस्टर स्टीवर्ट से. स्टीवर्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल फितरी बात है. मतलब उसने उसके शौक को मजीद हवा दी कि उसे अंदाजा हो गया था कि नॉर्मा जो है वो ट्रैप हो गई. वो इस ऑफर के मुतालिक सीरियस है और बटन दबाना चाहती है. नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस. नॉर्मा ने कहा कि ये मत समझना कि हमने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया था. अरे बंदा पूछे कि अगर यकीन नहीं किया था तो फिर फोन करने की क्या जरूरत है. कि फोन करना जो है वो इस बात का इजहार था कि वो इंटरेस्टेड थी और बटन दबा के पैसे हासिल करना चाहती. Oh, it's quite authentic. Authentic कहते हैं genuine को, real को, not fake. स्टीवर्ट ने कहा कि ये पेशकश बिल्कुल हकीकी है, असली है. Well, whatever. Norma swallowed. Swallow कहते हैं to eat up one's emotions कह रहे हैं, to control one's emotions. कि उसने जज्बात पे काबू पाते हुए या गुस्से पे काबू पाते हुए कहा कि अच्छा जो भी है. When you said someone in the world would die, कि जब तुमने कहा था दुनिया में कोई शख्स किसी जगह हलाक हो जाएगा, what did you mean? तो इस बात का क्या मतलब था या इससे क्या मुराद थी तुम्हारी? Exactly that, he answered. उसने जवाब दिया कि बिल्कुल यही मतलब था. It could be anyone, और मरने वाला तो कोई भी हो सकता है. All we guarantee is that you don't know them. कि हम सिर्फ इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि मरने वाला आपके लिए अजनबी होगा.
And of course, that you wouldn't have to watch them die. और यकीनन आप उन्हें मरता हुआ भी नहीं देखेंगे या उसे मरता हुआ भी नहीं देखेंगे. For $50,000, Norma said. Norma ने कहा कि इसके बदले में फिर 50,000 अमरीकी डॉलर्स मिलेंगे. That's correct. Steven ने कहा कि हाँ ये बात भी ठीक है. She made a scoffing sound. Scoffing कहते हैं full of contempt. कि उसने नफरत से कहा that's crazy. Crazy कहते हैं madness कि ये तो पागलपन है. Nonetheless, however, that's the proposition. Mr. Stewart ने कहा कि ताहम तजवीज यही है. Proposition कहते हैं आइडिया को या सजेशन को. Would you like me to return the button unit? उसने कहा क्या फिर आप बटन यूनिट वापस हासिल करना चाहती हैं? Norma अकड़ गई. Certainly not. हरगिज नहीं. She hung up angrily. उसने गुस्से से फोन पटक दिया. The package was lying by the front door. Parcel अभी दाखिली दरवाजे के बाहर ही पड़ा था. इसका मतलब है कि स्टीवर्ट ने वो पार्सल जो है वापस पहुंचा दिया. Norma sighed as she left the elevator. कि जो ही वो लिफ्ट से बाहर आई तो उसकी नजर इस पर पड़ी या उसने पार्सल देखा. Well, of all the nerve, she thought. Of all the nerve, कि why I am getting worried, कि मैं खामखा हलकान हो रही हूं. She glared at the garden, glared away to look at. उसने डिब्बे को देखा as she unlocked the door. जो ही उसने दरवाजा खोला. I just won't take it in, she thought. वो सोचने लगी कि मैं इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी. She went inside and started dinner. वो अंदर गई और शाम का खाना बनाना शुरू किया. कि अंदर वो लेके जाती या ना लेके जाती, उसके अंदर ये कश्मकश तो पिछले दो दिनों से चल रही है कि बटन 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 ये तकरार क्या है वो मुसलसल हो रही है. और वो सोच रही थी कि बटन दबाने में बहुत फायदा है, इजी मनी है और वो अपनी तमाम तरह के नासूदा ख्वाहिशात की तकमील कर सकती. Later she went into the front hall. बाद में वो मरकजी हॉल में चली गई. Opening the door, she picked up the package and carried it into the kitchen, leaving it on the table. दरवाजा खोलकर उसने पार्सल उठाया और किचन में ले जाकर मेज पर रख दिया. She sat in the living room, looking out the window. कि वो लिविंग रूम में बैठी खिड़की से बाहर देखती रही. मतलब वो सनसन सोच रही थी कि वो क्या करे. After a while, थोड़ी देर के बाद वो किसी नतीजे पे पहुंच गई. She went back into the kitchen to turn the cutlets in the broiler. Cutlets कहते हैं ये जो टिक्कियां बनाई जाती गोश्त की या आलू शामी की टिक्कियां भी कहा जाता है. कि वो जो है टिक्कियां तैयार करने के लिए किचन में गई. टर्न से बना दी एक साइड से ब्राउन करके फिर आपको दूसरी साइड से ब्राउन करना होता है ताकि अच्छी तरह से जो किचन में दीवार की अलमारियां लगाई जाती. कि उसने पार्सल को सबसे निचली कैबिनेट में रख दिया. She threw out in the morning, और उसने फैसला किया कि वो सुबह होते ही इसे बाहर फेंक दे. आपको ये बताया कि फैसला जो है दाई बेहूदा ही था कि अगर उसने बाहर ही फेंकना था तो अंदर लेके आने की क्या जरूरत. तो इसका मतलब ये है कि वो बटन दबाती रहेगी मुसलसल जो है किसी चीज़ के मतलब सोच रही है और वो इस टेम्पटेशन में आ गई. कि आमतौर पर ये होता है कि किसी कमज़ोर लम्हे में आप जो है तकलीफ के सामने सर झुका देते हैं और ये नहीं सोचते कि ऐसा करने के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होंगे. Maybe some eccentric millionaire is playing games with people, she said. Eccentric कहते हैं whimsical को, mad को या crazy, पागल कहते हैं या खप्ती कहते हैं. To play games कहते हैं to make fool of us, of someone, कि आप किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं. उसने कहा कि हो सकता है कोई पागल लगभग लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है या उन्हें झांसा दे रहा है.
आर्थर लुक्ड आउट फ्रॉम हिज डिनर। आर्थर ने खाना खाते हुए नजरें उठाई या नॉर्मा की जानिब देखा, क्या उसने बगैर तमीज के बात शुरू कर दी ना, तो इसलिए आर्थर ने देखा कि क्या क्या कहना चाह रही है। ये वैसे भी आर्थर ने एक रात पहले उससे कहा था कि वो इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता और उसने क्लियर कट उसे बता दिया था कि अखलाकियात के मुनाफी है, इसलिए इसके मुतालिक सोचना ये क्या है गलत, इसे भुलाना ही बेहतर होगा। मगर नॉर्मा जो है उसने आर्थर की बात से इत्तेफाक नहीं किया था, उसकी सुई जो है वो $50,000 पे अटक गई और वो ये चाहती थी कि ये पैसा किसी तरह से उसे मिल जाए। I don't understand you, आर्थर ने कहा कि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई, क्या कहना चाहती हो। What does that mean? नॉर्मा ने कहा कि इस पेशकश का क्या मतलब? Let it go, he told her. Let it go, leave it. आर्थर ने कहा कि बस जाने दो, मट्टी डाल, छोड़ दो इस बात। नॉर्मा एट इन साइलेंस, साइलेंस विदाउट टॉकिंग टू आर्थर, कि नॉर्मा में खामोशी से खाना खाने उसे छाट पड़ गई थी इसलिए वो चुप हो गई। सडनली शी पुट हर फोक डाउन, सडनली अब्रप्टली खाना खाते खाते अचानक उसने फिर कांटा रख दिया, क्यों मुसलसल सोच रही है खाने में तो उसकी इंटरेस्ट ही नहीं। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर शी सेड, सपोज कहते हैं अज्यूम करना, फर्स्ट कर, जेन्युइन कहते हैं रियल। उसने कहा कि फर्ज कीजिए ये पेशकश बिल्कुल हकीकी या असली। लेट्स कॉल इट एंड सी यू टुमारो विद नेक्स्ट।